हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाए हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों, दाद, खाज, खुजली आदि सभी समस्याएं हमारी स्किन से जुड़ी हुई है और ये समस्या यदि एक बार हमारी स्किन पर निकल जाए तो पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में अपनी जड़ बना लेती हैं, जिस कारण यह जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। यदि आपको इनसे छुटकारा पाना है तो आप इन पर शुरू से ही ध्यान दें और इनका जल्द से जल्द इलाज करवाएं। दोस्तों, दाद एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जो एक बार हमारी स्किन पर आ जाए तो ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ये समस्या बेहद दर्दनाक और असहनीय समस्या है। इसमें व्यक्ति को बेचैनी और स्किन पर खारिश होती रहती है। दोस्तों, आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए आज हम आपके लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं, जिनके यूज़ से आप बहुत जल्द अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप हमारी न्यू वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इन नुस्खों के बारे में। दोस्तों, यदि आपको दाद से छुटकारा पाना है तो आप थोड़े से नीम के पत्ते लें और इनको पानी में उबाल लें। अब इस पानी से आप अपने दाद वाली जगह को रगड़कर धोएं। इस उपाय को आप रोजाना करें, इससे आपको बहुत जल्द दाद की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको दांत ठीक करने के लिए दूसरा उपाय बताती हूँ। इसके लिए आप थोड़े से सेम के पत्ते लें और इनको धोकर अपने दांत वाले जगह पर धीरे धीरे रब करें। इस उपाय को आप दिन में 2 या 3 बार जरूर करें, इससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। दोस्तों, इन सब के साथ आप दांत से छुटकारा पाने के लिए इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। सबसे पहले तो आप केमिकल वाली साबुन या शैम्पू का यूज़ बिल्कुल ना करें। आप किसी ग्लिसरीन से बनी सोप का यूज़ कर सकते हैं। आप नहाने के बाद अपने दाद वाली जगह पर नारियल का तेल लगाएं, जिससे वह ड्राई ना हो और आपको ठंडक का भी एहसास रहे। आपके पहनने वाले कपड़े अच्छे से धुले हुए और सूखे हुए होने चाहिए तथा उनमें किसी भी डिटर्जेंट का अंश ना हो, वो बिल्कुल गीले ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको दांत से बचने और उनको ठीक करने के उपाय के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।